नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई मजदूरों ने एक कारखाने पर पहुंचकर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत करवाया और मजदूरों को सभी बातों की जानकारी दी। दरअसल इन दिनों चूड़ी जुड़ाई मजदूर हड़ताल पर थे। उनकी मांग थी कि सरकार द्वारा उनके बढ़ी हुई मजदूरी उनको मिले, पर अभी तक वो मजदूरी कारखाने के मालिकों द्वारा नहीं दी जा रही थी, जिसको लेकर हड़ताल चल रही थी। पर एक मीटिंग प्रशासन और जुड़ाई मजदूरों के दूसरे गुट के साथ मिलकर प्रशासन ने की और हड़ताल खत्म होने की घोषणा कर दी। पर जब देर शाम अचानक कारखानों से चूड़ी जुड़ाई के लिए जाने लगी तो कुछ मजदूरों ने अपनी नाराजगी दिखाई। तब पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों को समझाया और उन्हें मजदूरी पूरी मिलने का आश्वासन देते हुए मजदूर संघ की बैठक का हवाला दिया। तब जाकर मजदूर शांत होकर वापस लौटे। वहीं इस प्रकरण में जुड़ाई मजदूर नेता रामदास मानव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके किसी भी प्रकार के समझौते का इनकार किया और अपील की है कि मजदूर अपनी हड़ताल को जारी। नाम आपका? मेरा नाम अमित कुमार। ये बताइए, यहाँ रात में आप लोग इकट्ठे हुए, क्या कारण है? हमारा ये कारण है, जो रेट मिलती थी उसमें से तो 300 रुपए घटा दिए। है? किस चीज का काम करते हैं आप लोग? जुड़ाई का। और वो घटा दी रेट, और जो रेट है हम भर के मिल लेंगे, 3000 की रेट लिख लिए। और उस काम को हम करते हैं और मिट्टी का तेल मिला नहीं है, कौन कहाँ से पूरा करेगा? 100 रुपए में आजकल मजदूर काम करता है, उससे पैसा से पेट भर जाएगा। तो ये रात में आप लोग क्यों इकट्ठे हुए? रात में इसलिए इकट्ठे हुए, यहाँ वालों को माल नहीं मिलेगा कहीं, तो किसी को माल नहीं जाने देंगे हम। अच्छा, ये तो ये कौन सा कारखाना है जो रात में माल बुलाते हैं? कौन सा कारखाना है? रात में CM वगैरह मंगाते हैं और रात में माल चोरी से उठवाते हैं। हाँ, तो ये गलत है ना। बाहर जुड़ाई के लिए बेचते हैं, बाहर के लिए, क्या आपको ज्यादा पैसा ना देना पड़े? तो क्या आप लोगों ने इसी बात को लेकर हड़ताल कर रखी है? हड़ताल कर रखी है, ऐसा बताया जा रहा है कि हड़ताल आपकी खुल गई है। महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, वो तो आपने दी नहीं और हमारी गिरावट से कम कर दी, तो ये नाजायज है ना। मजदूर के कोई हमारा नेता वेता नहीं है, सारे आजकल ऐसे ही है। क्या नाम है आपका? ममता देवी। ममता जी, ये बताइए हंगामा हो रहा है, किस बात को लेकर हो रहा है? ये हो रहा था, हम गरीब आदमी अपना हक मांग रहे हैं। रेट नहीं बढ़ रहा। क्या बात है, किस बात को लेकर इकट्ठे हुए रात में? झूठ बोल रहे कि हड़ताल खुल गई है, हड़ताल खुली नहीं है, माल उठवा रहा है जी, कारखाना वाला। कौन सा कारखाना है और कितने बज रहे हैं? कितने बजे रात को माल निकल रहा है? तो क्या हड़ताल आपकी नहीं खुली है? कब से हड़ताल में आप लोग? तो पुलिस भी आई है, तो क्या कह रही है? पुलिस मदद कर रही है उसके कारखाने वाले की। दूसरे को माल भेज रहे हैं। मैं उनसे बोला जी, बोलना है क्या तो उठवाएगा माल, क्यों उठवाएगा भाई? गरीब आदमी भी है तो ना, तो उनके पैसा हो तो हमारी मदद करते। पुलिस वाले उसके पास पैसा, तो उसकी मदद कर रहे हैं। तो पुलिस वाले का कहता जी कहता है तो गरीब की मदद करना पड़ेगा। आपने सी ले लिया, सब लोग इकट्ठे हुए कि चूड़ी का माल निकल रहा था। कारखाने पे हंगामा किया गया, किस तरह का हंगामा था, क्या पूरा मामला है सर? पुरुषोत्तम नगर में थाना दक्षिण क्षेत्र में सनराइज फैक्ट्री किसानों कुछ लेबर इकट्ठे हो गए थे। उनका कहना था कि हमारी जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है उसके मुताबिक हमको मेहनताना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इकट्ठे हुए थे। वो समझा दिया गया कि इनकी मीटिंग करके आदेश का पालन जारी हो गया है कि जो शासन का आदेश है उसके मुताबिक इनको मतलब पैसा मिलेगा, और स्वयं की सारी मांगें मान ली गई हैं। उस मांग की जानकारी इनको नहीं थी, इसलिए यहाँ लोग इकट्ठे हुए, गलत फहमी में इकट्ठे थे और लोग जा चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें डीडी टुडे।